अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कुक एंड बेक्स और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ परफेक्ट पिज़्ज़ा डो। मुझे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने कहा कि आप पिज़्ज़ा डो बनाना सिखाएं। आज मैं आपको पिज़्ज़ा डो बनाना बताऊंगी और इसके साथ मैं आपको इसी डो से पिज़्ज़ा बनाना बताऊंगी। टिक्का स्पेगेटी पिज़्ज़ा है ये, थोड़ा सा चेंज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आएगा। और ये सब करने से पहले मैं आपको कहती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें, और मुझे व्यूज़ भी दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। जिसके लिए मुझे चाहिए मैदा, मैंने 3 कप लिया है। ग्राम में लेके जाएं तो ये 350 ग्राम है। ये मेरे पास ऑयल है, 5 खाने के चम्मच ऑयल है। अगर ग्राम में जाएं या ml में जाएं तो ये 50 ml है और 50 ग्राम है। ये मेरे पास 1 खाने का चम्मच चीनी है, कैस्टर शुगर है। 1 खाने का चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर है। 1 चाय का चम्मच मेरे पास नमक है। और ये ईस्ट 1.5 खाने का चम्मच मैंने ईस्ट लिया है। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैंने नीम गर्म पानी लिया है, आधा कप नीम गर्म पानी लिया है। इसके अंदर मैं ये चीनी शामिल कर दूँगी और साथ ही ईस्ट डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी और 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूंगी। इससे ये पता चलता है कि अगर तो मेरी ईस्ट ठीक है, तो अगर एक्टिव है तो ये बिल्कुल राइज हो जाएगा, ऊपर तक आ जाएगा, तो मेरा पिज़्ज़ा बहुत अच्छा परफेक्ट बनेगा। आप भी घर में इस तरह ज़रूर किया करें ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए अगर आपकी ईस्ट एक्टिव नहीं है वो फूलेगा नहीं है। अगर आपकी ईस्ट एक्टिव नहीं है तो आप इसको डिस्पोज कर दें और दूसरी कोई ईस्ट लेके आए, वरना आपका सारा प्रोसीजर करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी ईस्ट परफेक्ट नहीं है, आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए रख रही हूँ। जी नाज़रीन, हमारी ईस्ट जो है वो एक्टिव हो चुकी है, देखें कितनी राइज हो गई है। इसका मतलब है हमारी ईस्ट अच्छी है, इससे हमारी डो इंशाल्लाह बहुत अच्छी परफेक्ट बनेगी। ठीक है, अब मैं ये मैदा ले रही हूँ। मैदे में मैं ये नमक शामिल करूंगी, ये ड्राई मिल्क, ऑयल और ये मेरे पास ओरिगेनो है, मैं 1 टीस्पून ये ओरिगेनो इसके अंदर डालूंगी। इसको पहले अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखें, ये इस तरह क्रम्बल्स हो गया। अब मैं इसके अंदर ये अपनी ईस्ट वाला मिक्सचर इसके अंदर ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। मैं इसके अंदर तकरीबन 3/4 कप और नीम गर्म पानी ऐड करूंगी। ये देखें, आपकी डो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम हो। हाथ में थोड़ा सा पानी लेके मैं इसको शेल्फ पे रख के अच्छे से गूंदूंगी। अच्छा देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल किया और मैं इसको इस तरह अपने हाथ की इस जो ये जो साइड होती है हाथ की, इस साइड से, ये देखें इस साइड से आपने अच्छे से इसको इस तरह गूंदना है और इतनी देर गूंदना है कि गूंदते गूंदते आपकी जो डो है वो राइज होना शुरू हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट आपने इसको अच्छे से गूंदना है। फिर आपने इसको इस तरह उठाना है और जोर से इस तरह करके इस तरह देखें,
अच्छे से आपने इसको रब करना है। ये देखें कि मेरी डो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको इस तरह अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करके, ये देखें, ये मैं इस बाउल को ऑयल लगाऊंगी। ऑयल लगा के इसमें इसको इस तरह रख दूंगी, इसको क्लिंग कर दूंगी। या आपके पास अगर क्लिंग नहीं है तो आप किसी भी शॉपर के अंदर, बड़े से शॉपर के अंदर इसको बंद करके रख दें। और इसको गर्म जगह पे आपने रखना है, आपके माइक्रोवेव है या कुकिंग रेंज है उसके अंदर आप इसको रख दें। तकरीबन 25 से 30 मिनट आपने इसको राइस करना है। फिर मैं आपको बताती हूँ पिज़्ज़ा हम बनाएंगे। जी नाज़रीन, जब तक हमारी डो राइस होती है, मैं आपको पिज़्ज़ा की जो फिलिंग है मैं उसकी बता दूँ रेसिपी। इसके लिए मैंने चिकन लिया है बोनलेस, इस तरह क्यूब्स में कटा हुआ। ये देखें इतने क्यूब्स में, क्योंकि तिक्का स्पेगेटी है तो तिक्के के लिए हमें छोटे इस तरह क्यूब चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मैं ये होममेड जो मेरा तिक्का मसाला है, ये देखें 2 चाय के चम्मच भर के वो डाला, 1.5 खाने का चम्मच सिरका, ये मेरे पास वर्स्टशायर सॉस पड़ा हुआ है, 1 खाने का चम्मच, ये 1 चाय का चम्मच होममेड चाट मसाला और 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, ये इसके अंदर जाएगा। और ये 1 खाने का चम्मच मक्खन है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है, इसको मैं मिक्स करके इसके अंदर डालूंगी। और ये फूड कलर है, येलो फूड कलर, ये इसके अंदर मैं 2 ड्रॉप ये डाल दूंगी और इसको मिक्स करके 1/2 घंटे के लिए इसको रख देंगे मैरिनेट करने के लिए। देखिए ठीक, इसको 1/2 घंटे के लिए हम रख देंगे। और इसके लिए स्पेगेटीज मैंने लिए हैं, ये मेरे पास 150 ग्राम स्पेगेटीज हैं 1 कप, इनको मैंने इतने साइज में तोड़ के और इनको मैंने बॉईल कर लिया। इसमें शिमला मिर्च जाएगी, टमाटर, प्याज, इनको बिल्कुल चॉप मैं कर लूँगी, इसके अंदर चॉप सब्जियाँ जाएंगी। जी नाज़रीन, अब हम जो चिकन मैरिनेट किया हुआ है मैं उसको फ्राई कर लेती हूँ। मैंने पैन लिया है, पैन के अंदर मैं ये चिकन सारा डाल दूँगी। ऑयल मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने बटर और ऑयल पहले से इसमें डाला हुआ है। उसको 3 से 4 मिनट फ्राई करूंगी। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारा जो मसाला है ये बनना शुरू हो गया। बस इसका ये पानी मैंने खुश करना, फिर मैं इसको कोयले का दम दूंगी। ये देखिए हमारा चिकन जो है वो गल चुका है। अब मैंने एक छोटा सा ये बाउल लिया, इसके अंदर मैं ये कोयला रखूंगी और इस कोयले के ऊपर 1/2 चम्मच ऑयल डाल के इसको बंद कर दूंगी, इसको स्मोक देना है। देखिए ये देखिए नाज़रीन, हमारी डो ज़बरदस्त किस्म की राइज हो चुकी है। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। ये देखें, ये आपने हमेशा इस तरह फोल्डिंग में करना है। ठीक है, आप इसको नीचे रखें और इसको 2 हिस्सों में इस तरह कर लें। ठीक है, ये मेरे पैन लिए,
11x11 का पैन है ये। इसको मैं नीचे घी या शॉर्टनिंग आप लगा लें या घी लगा लें, इसको ग्रीस कर लें नीचे से। ये देखिए मैं घी लगा रही हूँ इसके ऊपर। अच्छा, मैं बेलती नहीं हूँ, मैं हाथ की मदद से रोटी को इस तरह बड़ा करती हूँ। आप भी इस तरह किया करें, पिज़्ज़ा बहुत मज़े का और बहुत अच्छा बनता है। आप इस तरह इसको इस तरह स्प्रेड करते हैं, इवनली लेके जाते जाए। ये देखें, इसको मैंने इवनली इस तरह मैं स्प्रेड किया है, और आप उंगलियों के इन पोरों की मदद से इसको इस तरह कर दें। और ये फोक लें और इसको इसके अंदर इस तरह प्रिक कर दें। इसको प्रिक करने से ये होता है कि नीचे से भी इसको अच्छी हीट मिलती है और आपकी डो नीचे से भी अच्छी पक जाती है। अब मैंने ये, मैं पिज़्ज़ा डो यूज़ नहीं करती, पिज़्ज़ा सॉस। मैंने क्या लिया है, मैंने केचप लिया है। केचप के अंदर आधा चाय का चम्मच मैंने धड़ा मिर्च डाल दिए, आधा चाय 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च और ओरिगेनो फ्लेक्स डाल के इनको मिक्स कर लिया। और मैं ये इसके ऊपर इस तरह इसको ब्रश कर दूंगी। जी नाज़रीन, ये देखें मैंने सॉस लगा के इसको 4 मिनट के लिए छोड़ दिए, थोड़ा सा ये राइज हो जाए। अब मेरे पास ये चेडर और मोज़रेला चीज़ है, इसको मैं इसके ऊपर थोड़ी सी इस तरह स्प्रिंकल करूँगी। इसके ऊपर मैं ये जो मैंने टिक्का बोटी बनाई है ये मैं इस तरह डालूँगी। ये देखें, इतने ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि और चीज़ें भी काफ़ी इसके अंदर आती हैं। ये जो स्पेगेटीज़ हैं, ये देखिए, ये मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, इसका मैंने सालसा बनाया हुआ है, इसको मैं बिल्कुल चॉप किया हुआ है, ये मैं इसके ऊपर इस तरह डालूंगी। और ये चेडर और मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर डाल दूंगी। इसको हल्का सा आपने हाथ से इस तरह प्रेस करना। मेरे पास ब्लैक ऑलिव है, ऑलिव, आपके पास ब्लैक नहीं है आप ग्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगैनो स्प्रिंकल कर दूंगी। अच्छा, मैंने 250 पे ओवन की हीट रखी है, 180 पे उसको प्री हीट करना है, लेकिन आपने पिज़्ज़ा को 250 पे बेक करना है। 7 से 8 मिनट में आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है 250 पे। और अगर आपने चूल्हे पे करना है तो जो तरीका मैंने आपको बताया है, पतीला लें, उसके नीचे या नमक रखें या बजरी रखें या बारीक सी स्टील की प्लेट रख के उसको प्री हीट करें और ये पैन इस तरह इसके ऊपर रख दें। 20 मिनट में आपका पिज़्ज़ा रेडी होगा। अब मैं, ये देखें नाज़रीन, हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, ओवन से निकाल के आपने इसके ऊपर इस तरह इसको ऑयल लगाना होता है।
इस तरह इसको हल्का हल्का ऑयल लगाएं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें नाजरीन, हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। इस तरह आप इसको पहले इस तरह पीसेस में लें। ये देखें हमारा मज़ेदार यमी, ये देखें, ये होममेड मोज़रेला चीज़ है। ज़बरदस्त पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत टेस्टी है। मेरे जिन व्यूवर्स ने मुझसे फरमाइश की थी पिज़्ज़ा डो की और पिज़्ज़ा की, उनके लिए आज मैं ये लेके आई हूँ, वो ज़रूर ट्राई करें। दोबारा से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें।